नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज जो है आपका सामान्य अध्ययन पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव किताब है ये। और ये आपका जो है एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में आज हम पढ़े सेकंड नंबर चैप्टर ओशियनोग्राफी का मेरा टॉपिक नंबर टू पढ़ेंगे। और इसमें हम जो सेट प्रैक्टिस करेंगे आपका टॉपिक नंबर टू, चैप्टर नंबर टू का आपका जो है ओशियनोग्राफी, और टॉपिक टू नंबर नाम है इसका सैलिनिटी। ठीक है, तो सैलिनिटी का आज हम करेंगे। तो आपका जो है पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड। तो वन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेड सी। क्वेश्चन नंबर टू है, द रिलीफ ऑफ द ओशियन फ्लोर इज जनरली, ऑप्शन नंबर टू का सी ऑप्शन सही है, मोर डाइवर्स देन दैट ऑफ द कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर। तो थ्री करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, क्रस्ट एंड अपर मेंटल। फोर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू सी सैलिनिटी। फोर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वन एंड टू ओनली। द ओशियन सैलिनिटी डिपेंड्स ऑन इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, एनी चेंज द टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फ्लुएंसेस द सैलिनिटी। ये दोनों का सही है। क्वेश्चन फाइव है, द फेवरेबल परसेंटेज ऑफ सी वाटर सैलिनिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिश प्रोडक्शन इज। तो फाइव करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3.0 to 3.5 फोर तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रेनफॉल इज हैवी। क्वेश्चन सेवन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सैलिनिटी ऑफ वाटर इन द इक्वेटोरियल ओशन डिक्रीजेस बिकॉज, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ इट। तो सेवन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वन एंड फोर आर राइट। ठीक है, तो लार्ज रिवर्स लाइक अमेजन एंड पोंगो इंटर टू सी, ये आपका सही है। और ये आपका जो है नेक्स्ट, सैलिनिटी ऑफ वाटर इन द इक्वेटोरियल ओशन डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। क्वेश्चन आपका एट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैलिनिटी कॉन्सेंट्रेशन इज देयर इन देयर वाटर्स इज करेक्ट। तो आपका जो है एट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेड सी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, आर्कटिक ओशियन और बाल्टिक ओशियन। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, पहले तो एक बार दोबारा, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैलिनिटी कॉन्सेंट्रेशन इन देयर वाटर इज करेक्ट। तो आपका जो है इसका राइट आंसर रेड सी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, आर्कटिक ओशियन, बाल्टिक सी। कुछ नंबर नाइन है, कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशन, हाई सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर इज एसोसिएटेड विद। तो नाइन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वन एंड फोर आपका सही हो जाएगा, तो एंटी साइक्लोन कंडीशन विद स्टैटिक एयर एंड हाई टेम्परेचर। और फोर आपका लो प्रेसिपिटेशन विद हाई एवेपोरेशन, ये जो आपका सही है, आपका जो है थ्री ऑफ फोर गलत है। कुछ नंबर टेन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ वाटर बॉडीज फ्रॉम लोअर टू हायर सैलिनिटी कॉन्सेंट्रेशन इज करेक्ट। टू टेन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाल्टिक सी, आर्टिक सी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और रेड सी। तो विच वन अमंग द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ वाटर बॉडीज फ्रॉम लोअर टू हायर सैलिनिटी कॉन्सेंट्रेशन इज करेक्ट, बाल्टिक सी, आर्टिक सी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और रेड सी। क्वेश्चन नंबर ग्यारह है, व्हेन वाटर फ्रीजेस इन द पोलर सी द साल्ट। तो इलेवन का राइट आंसर ऑप्शन बी, रिमेन इन द सब्सटेंस वाटर दैट डज नॉट विच। क्वेश्चन ट्वेल्व है, व्हाट इज द एवरेज साल्ट कंटेंट इन ए लीटर ऑफ सी वाटर। तो बारह का राइट आंसर ऑप्शन सी, 35 ग्राम। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जोन ऑफ साल्ट सैलिनिटी चेंज इन द वर्टिकल सेक्शन ऑफ ओशियन। तो 13 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हेलो स्लाइन है। 14 नंबर है, असर्शन ही ओरिजिन ए कह रहा है, तो आपको बताना है 14 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो आपका पहला ये गलत है और आर टू सही है। तो देखते हैं पहले गलत वाला, तो डिस्पाइट लो इवेपोरेशन एंड स्टेबल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द एटमोसफियर सैलिनिटी इज हाई इन पोलर रीजन, गलत है। सी वाटर फ्रीजेस लिविंग द रिमेनिंग वाटर सैलाइन देन बिफोर, ये आपका सही है। 15 एवरेज सैलिनिटी ऑफ वाटर ऑफ अरेबियन सी, तो 15 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 337 ppt। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेजर सोर्सेस ऑफ ओशियनिक सैलिनिटी, तो 16 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एस फ्रॉम वोल्केनोस। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका जो है टॉपिक नंबर 3 कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।